जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजॉय एनीथिंग पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इंडियन आर्मी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो चीन ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर महान भारत कब आया था? तो सिकंदर महान 326 BC पूर्व भारत आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्जुन पुत्र थे? तो महाभारत में अर्जुन पुत्र पांडु थे, पांडु के, ठीक है, इनका नाम पांडु के था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? अन्ना हजारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगान फिल्म किस खेल से संबंधित है? तो लगान फिल्म क्रिकेट से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लज्जा नामक किताब किसने लिखी थी? तो लज्जा नामक किताब की लेखिका है तस्लीमा नसरीन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तस्लीमा नसरीन। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खगड़वासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, 2020 वर्ष में होने वाले ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो वो खेले जाएंगे टोक्यो जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकम टैक्स कौन लगाता है, यानी कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है केंद्र सरकार के द्वारा इनकम टैक्स लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांच रंग का झंडा किस देश का है? तो पांच रंग का झंडा पुर्तगालों का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पंद्रह, वर्ष का सबसे छोटा दिन है? तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता का मापक है? तो ध्वनि का तीव्रता का मापक डेसिबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो हार्मोन का उपयोग मेटाबोलॉजिक कार्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 235/92 यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो होगी 143, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर जाए, उस हमको लगता नहीं है कि अब एक बार के बाद दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह अमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तेईस देखते हैं, प्रकाश का वेग होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है? तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र KCl है, ठीक है, इसका आंसर बी सी हो जाएगा, KCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिंडी का वानस्पतिक नाम है? तो भिंडी का वानस्पतिक नाम हेबिकस इल्यूकेंट्स है, इसका आंसर बी हो जाएगा, हेबिकस इक्यूलेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? तो डॉपलर इफेक्ट से संबंधित ध्वनि है, ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन में भी नाभिकीय संलयन होता है और इसी प्रकार सूर्य में भी नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे कठोरतम हिस्सा क्या है?
मतलब मानव शरीर की सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा है, तो वो है इनेमिल यानी कि जबड़े की हड्डी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा इनेमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं या किस नियम नाम से जानते हैं, तो जड़त्व के नियम से जानते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से मार्स गैस कौन है, तो मार्स गैस CH4 यानी कि मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थ में डैश तेजाब है, तो है HCl, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है, तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं आपको त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें अपना, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, क्षय रोग किसे से होता है, तो क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है, क्षय रोग का दूसरा नाम टीबी भी है। ठीक है, टीबी को ही क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है उदातीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उदातीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अगली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।